नमस्ते एवरीवन एंड वेलकम टू ऑल न्यू वीडियो। इस वीडियो में आई एम गोइंग टू शेयर माय कंपोस्टिंग स्पेस। तो मैं घर पे खाद बनाती हूँ, हमारे टेरेस गार्डन है तो उधर आई मेक खाद एट होम। तो जो भी किचन का गीला वेस्ट होता है, जो भी गार्डन का वेस्ट होता है, या फिर घर पे अगर कुछ ऐसा वेस्ट होता है जिसको आप खाद में डाल सकते हो, वो मैं कुछ भी बाहर नहीं फेंकती और उन सब से हमारे घर में खाद बनती है। ये मैं लॉकडाउन 1 से कर रही हूँ और अभी तक द प्रोसेस इज़ गोइंग फाइन। बट है ना, अभी इस साल जब भी ज़्यादा बरसात हुई और उस टाइम पर मेरा फ्लो बिल्कुल टूट गया कि मैंने ना ये कचरा वगैरह को घुमाना बंद कर दिया, तो अभी मेरे सारे ड्रम्स फुल हो चुके हैं और हमारे पास में और कचरा डालने के लिए जगह नहीं है। आई एम गोइंग टू क्लीन अप माई कॉम्पोस्टिंग स्पेस। प्लस कॉम्पोस्टिंग इज नॉट हार्ड, लाइक कॉम्पोस्टिंग इज वेरी ईजी। इट्स जस्ट दैट कि इस बार ना मेरा फ्लो टूट गया और मैं उसको मैनेज नहीं कर पाई, बट इट्स ओवरऑल ईजी। एंड लाइक यू नो, मैनेज नहीं करने के बाद भी मुझे ऐसी कोई दिक्कत नहीं हुई। एंड नाउ आई एम गोइंग टू क्लीन अप एंड अगेन गेट बैक टू द प्रोसेस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट लेट मी एक्सप्लेन यू कि हुआ क्या था, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी तो इनके अंदर भी काफ़ी सारा पानी भर गया था, इसलिए सब कुछ ना बहुत सॉगी हो गया था। सो आई वाज लाइक कि एक बार बारिश बंद हो जाए उसके बाद में मैं इन ड्रम्स वगैरह को देखूंगी। और जब बारिश वगैरह बंद हुई तो पापा ने एक ड्रम खाली कर दिया था, तो उन्होंने एक पूरे ड्रम को खाली किया, उसको हमने यहाँ पे छत पे फैला के रखा था ताकि वो थोड़ा सा सूख जाए। और जब वो सूख गया तो उसको लाइक यू नो छान के और जो भी उससे खाद बनी थी वो हमने सारी पौधों में डाल दी थी। और अगर ऐसा कुछ था जो कि पूरा उसकी खाद नहीं बन पाई है तो उसको हमने वापस से ड्रम में डाल दिया था। और मैं ना एक बार दोनों ड्रम्स को चेक करूँगी और जैसा भी होगा कि अगर कचरा बहुत गीला है तो मैं उसके अंदर सूखा कचरा और मिलाने वाली हूँ, और अगर ये बहुत ही सूखा है तो मैं इसके अंदर धीरे धीरे करके गीला कचरा और मिलाऊंगी। और लेट्स सी कि क्या हाल है एंड हाउ डर्टी माय स्पेस इज, एंड आई एम गोइंग टू शो इट टू यू एज इट। सो नाउ फर्स्टली ये स्पेस कुछ ऐसी है, इसके नीचे है ना ये प्लेट रखी हुई है जिसके अंदर ये नीचे जो भी पानी निकलता है वो इकट्ठा हो जाता है। ये मैंने इनके ऊपर, इसके अंदर वॉशिंग मशीन आई थी तो ये मैंने जस्ट इसके ऊपर रख दिया था कि जो भी पानी वगैरह है वो अगर थोड़ा सा इनको बचाव हो सके, क्योंकि इन ड्रम्स के ऊपर कोई भी शेड नहीं है मेरे पास में। एंड देन इफ़ यू कम ओवर टू दिस साइड तो ये कुछ ज़्यादा ही गंदा है, उसके नीचे वो नीचे ही इकट्ठा हो गया है। प्लस इन सब के अंदर मेरा सूखा कचरा है, इस ड्रम के अंदर मेरा पूरा सूखा कचरा है। सो दिस इज़ बेसिकली माय होल कॉम्पोस्टिंग स्पेस। उसके अलावा यहाँ ऊपर भी ना दो कंटेनर्स हैं, सो आई थिंक आई शुड क्लीन इट टू। तो वन इज़ दिस वन और एक वहाँ पे उसके नीचे मटकी है, इट्स ऑल अ मेस। सो नाउ आई एम रेडी, मैं आई हैव पुट ऑन द मास्क एंड ऑल्सो ए ग्लव। नॉर्मली रिक्वायर्ड नहीं होता, अदरवाइज आई हैव नॉट बीन डूइंग दिस फॉर सो लॉन्ग, बट क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम से अपने ड्रम्स को नहीं संभाला और हम लोग रोज़ कंटिन्यूसली उसके अंदर गीला कचरा डाल रहे थे, तो आई एम श्योर कि उसके अंदर ना काफ़ी सारे कीड़े मकोड़े होंगे वाइट वाले। सो उसके लिए आई एम वेयरिंग ऑल ऑफ दिस। सो नाउ वॉट विल आई डू इज़, उन इंसेक्ट्स की पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए यू कैन आइदर पुट लेमन, अगर बहुत सारे लेमन के पील्स हैं तो मैंने इसमें बायो एंजाइम्स बनाया था, तो इसके अंदर लाइक यू नो बहुत सारे ऑरेंज मौसम्बी नींबू के छिलके हैं तो मैं ये डालने वाली हूँ। इससे डाल के भी आपके कीड़े मकोड़े के जो पॉपुलेशन है उसको कंट्रोल किया जा सकता है। अगर ये नहीं है तो आप ना उसके अंदर प्याज लहसुन इन सब के छिलके वगैरह भी डाल सकते हैं, उससे भी पॉपुलेशन कंट्रोल हो जाती है। और उसके अलावा ये ना डेली डंप से मुझे ये एक पाउडर आया था, माइक्रोब्स कंट्रोल पाउडर, तो ये मैं डालूंगी थोड़ा सा जिसके अंदर भी ज़्यादा कीड़े होंगे। सो पहले हम लोग ऊपर जा रहे हैं, ऊपर का संभालेंगे एक बार और फिर हम लोग इधर वाले ड्रम्स को देखेंगे। नाउ दिस इज़ माय कंपोस्ट बिन, ये ऊपर से सूखा है और इसके अंदर आई एम श्योर काफ़ी कीड़े मकोड़े, ओ गॉड, इसके नीचे काफ़ी कीड़े मकोड़े हैं, लुक एट दैट। तो ये सारे ना इंसानों के लिए इट इज़ नॉट हार्मफुल, और क्योंकि ये बहुत ही गीला है नीचे से
इसलिए काफी सारे इसके अंदर कीड़े मकोड़े हैं। मैं ना इस ड्रम को आधा खाली करूंगी, आधा गीला कचरा मैं दूसरे ड्रम में डालूंगी और इसके अंदर मैं और सूखा कचरा डालूंगी। एंड देन लेट्स सी, और थोड़ा सा माइक्रोब्स पाउडर और ये सारे लेमन पील्स और ऑरेंज पील्स इसके अंदर डालूंगी। एंड देन आई विल कम्प्लीटली क्लोज इट एंड होपफुली विद इन अ मंथ ये कॉम्पोस्ट रेडी हो जाएगा। यहाँ पे ये मेरी दूसरी वाली मटकी है बट इसके अंदर कचरा पूरा सूखा है। लेट मी शो इट टू यू। इसके अंदर ये इतना सूखा है कि ये बहुत हार्ड हो चुका। तो मैं इस वाले कचरे को और उस वाले कचरे को जो कि बहुत गीला है, इन दोनों को मिलाने वाली हूँ। पता है इसके अंदर ना वो कचरा गीला तो था बट देन अभी ना दो तीन दिन पहले बारिश आई थी एंड अब मुझे समझ में आया इसका ना ढक्कन जब मैं ऊपर है तब वो हटा हुआ था तो ये इसके अंदर बारिश का पानी भर गया और इसलिए कचरा और गीला हो गया। सो दैट इज़ वाई इट्स स्टिंकिंग, अदरवाइज आई थिंक ये ठीक था। तो अभी आई एम मिक्सिंग दीज बोथ। सो नाउ मैंने इसके अंदर ना पूरा गीला सूखा कचरा करके और एक लेयर्स बना दी है, उसको अच्छे से मिक्स भी कर दिया है। एंड नाउ दिस इज़ गोइंग टू सिट, मतलब इसके अंदर मैं और कुछ नहीं करूँगी। मैंने इसके अंदर माइक्रोब्स पाउडर वगैरह सब कुछ डाल दिया है एंड इसके अंदर इफ़ यू विल सी तो ये काफ़ी ज़्यादा गीला है, लाइक इसमें ना पानी विजिबल है। तो इसके अंदर पानी गया है और इसके साथ में प्रॉब्लम क्या थी ना, इसमें ना साइड में छेद हैं बट वो भी इतने बड़े नहीं हैं और इसके अलावा इसमें शायद नीचे छेद नहीं है तो इसलिए पानी नहीं निकल पाया। इसके अंदर से जितना भी पानी निकल सकता है मैं वो निकालने की कोशिश कर रही हूँ और फिर मैं वापस से इसके अंदर सूखा कचरा डाल के इसको पैक करूँगी। सो नाउ दिस इज़ ऑल्सो डन, इफ़ यू कैन सी मैंने इसके अंदर अच्छे से इसका गीला कचरा सूखे के साथ में मिला के ऊपर एक सूखे की लेयर डाल के रख दी है। एंड नाउ आई एम गोइंग टू क्लोज इट, मैं इसके अंदर और कोई कचरा नहीं डालूंगी जब तक ये पूरा ना बन जाए। और यहाँ से ये इतना सारा लीचे निकला है एक हाथ का पानी जो अब जाएगा पौधों में। सो अभी ये स्पेस क्लियर कर दी है और अब मैं इन वाले ड्रम्स को पहले खाली करूँगी कि इनका क्या हाल है और फिर वापस से सेम प्रोसेस। सो लेट्स सी, सो इसमें भी इफ़ यू विल सी तो लीचे निकल रहा है ये एक्स्ट्रा पानी और ऊपर वाले ड्रम्स का लीचे ये रहा। तो मैं इसी के अंदर ये लीचे कलेक्ट करूँगी और फिर वापस से इनको मिलाऊँगी और सूखा है तो गीला डालूँगी, गीला है तो और सूखा डालूँगी। दिस इज़ टेरेबल, इसके अंदर आई थिंक सिर्फ गीला कचरा है इसलिए ये ऐसा है। इसके अंदर सिर्फ गीला है, मैं इसके अंदर सूखा डालने वाली हूँ अभी और माइक्रोब्स पाउडर। तो ना सिर्फ अभी ये सूखा कचरा इसके अंदर मिल नहीं रहा है तो अभी मैं इसको इसके अंदर निकाल के इसके अंदर सूखा और गीला अच्छे से मिला के वापस से इसके अंदर डालूंगी। सो टुडे आई हैव क्लोज्ड 4 कॉम्पोस्ट बिन्स, एक ऊपर की मटकी, एक जो ड्रम था और यहाँ पे 3 ड्रम्स डेली डंप के जो थे। सो आइडियली 3 कॉम्पोस्ट बिन्स और अभी इन दोनों को भी खाली करूँगी सेम लॉजिक के साथ में। तो आई जस्ट होप कि अगर आप भी कॉम्पोस्टिंग करते हैं तो आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। एंड या मैं डिस्क्रिप्शन में ना सारे पॉइंटर्स वापस से इन डिटेल लिख दूँगी ताकि आप वहाँ से भी पढ़ के यू कैन गेट बेटर अंडरस्टैंडिंग। ओके, सो दैट वॉज़ इट
फॉर दिस वीडियो. प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल. वीडियो के नीचे जो एक रेड कलर का बटन है आपको उसको प्रेस करना है. उसके पास में जो एक बेल बटन है उसको प्रेस करना है ताकि जब भी मेरा कोई नया वीडियो आएगा आपको पता चल जाएगा. डू लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज शेयर दिस विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. बाय.